आरुषि हत्याकांड में सीबीआई के इस कदम ने बढ़ा दी आरुषि के माता पिता की मुश्किलें। क्या अब भी सदमे में है तलवार परिवार, जानिए क्या है पूरी खबर। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की देश दुनिया की खबरों में आपका स्वागत है। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशंस के लिए प्रेस कर दीजिए बेल आइकन। सन 2008 में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये था भारत में हुआ एक ऐसा जुर्म जिसने सबका दिल दहला दिया था। केस का नाम था आरुषि हेमराज हत्याकांड, जिसके ऊपर आधारित फिल्म भी बनाई गई थी। हाल ही में इस केस में एक और नया मोड़ आया है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। दरअसल सीबीआई ने अपील की है कि इस मामले के हत्यारे माने जाने वाले राजेश और नुपुर तलवार की बरी करने के फैसले को खारिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार कर लिया है। इस अपील में तलवार दंपति को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 अक्टूबर 2017 के निर्णय को चुनौती दी गई है। इस मामले में इनके बरी को रोक लगाने के लिए एक तरफ जहां सीबीआई ने अपील की है, वहीं दूसरी अपील की है हेमराज की पत्नी ने। असल मामले में दंत चिकित्सक दंपति राजेश और नुपुर तलवार की 14 वर्षीय बेटी आरुषि का मई 2008 को नोएडा स्थित घर में मर्डर किया गया था। आरुषि की गर्दन किसी धारदार वस्तु से काटी गई थी। इस मामले की जांच के दौरान शुरू में संदिग्ध घरेलू सेवक हेमराज पाया गया, क्योंकि वो लापता था। लेकिन 2 दिन बाद ही जब छत से उसका शव बरामद हुआ तो शक दंपति पर जाने लगा। इस दोहरे हत्याकांड में गाजियाबाद स्थित सीबीआई की अदालत ने 26 नवंबर 2013 को तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस दंपति ने अदालत के इस निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और वहां तलवार दंपति को बरी किया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि मौजूदा सबूत तलवार दंपति को दोषी नहीं ठहराते। चलिए, ये था आरुषि हत्याकांड का नया मोड़। अब सुप्रीम कोर्ट इस दंपति को दोषी करार देती है या नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। अभी के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।